वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे आज हम शीघ्र पतन के बारे में, यानी कि वीर्य का जल्दी निकल जाना। काफी लोगों को ये परेशानी है, जो हमारे पुरुष मित्र हैं उनके हमारे पास कॉल आती है और बताते हैं कि उनको शीघ्र पतन की समस्या हो रही है। अब शीघ्र पतन किसे कहते हैं ये जरा समझ लीजिए। देखिए, काफी लोग समझ गए होंगे शीघ्र पतन का है कि वीर्य का जल्दी निकल जाना, ये शीघ्र पतन का मतलब है। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्री मैच्योर इजेकुलेशन। अब इसमें क्या है कि वीर्य जल्दी निकल जाता है साहब। कब निकल जाता है? जब आप संभोग करते हैं या संभोग करने का आप की इच्छा हो रही है तो आपका वीर्य निकल जाता है। तो ये दो कंडीशन में होता है, एक तो तब जब आप संभोग करने जा रहे हैं या संभोग करने से पहले ही वीर्य का निकल जाना शीघ्र पतन की समस्या कहलाती है। अब ये जो मैंने कंडीशन बताई कि संभोग करते समय या संभोग करने से पहले ही वीर्य निकल रहा है, ये इसकी एक हाइपर स्टेज है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जब जहां परेशानी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये है कि आप संभोग कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद आपका वीर्य निकल जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वीर्य जल्दी निकल जा रहा है तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्यों है ये भी जान लीजिए। देखिए, प्रॉब्लम इसलिए है कि इसके पीछे कई तरह के कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं भाई? नंबर एक कारण तो ये है कि आपने ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल किया, ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि आपके अंदर शारीरिक कमजोरी है, इंटरनल वीकनेस है, ये भी एक वजह है। तीसरा कारण ये है कि किसी बीमारी की वजह से ऐसा आपको हो गया है, जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई हो, या फिर दिल की बीमारी हो गई हो, या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई हो, या कोई अन्य बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से आपके अंदर शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है लिंग की, उसकी वजह से भी शीघ्र पतन होता है। आप ये समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार है, यानी कि आपके मन में डर बना हुआ है, पता नहीं मैं संभोग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की अगर आपके जहन में विचार रहते हैं तो ये भी शीघ्र पतन का कारण बनते हैं। लेकिन एक कॉमन कारण की बात करें कि जो सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है या अधिकतर जो वजह है वो यही है कि हाथ का इस्तेमाल करना या फिर किन्हीं अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेते हैं अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने के लिए वो अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेते हैं, जिससे उनको तुरंत तो लाभ मिल जाता है लेकिन आगे जाके उनको नुकसान होता है, और वो नुकसान शीघ्र पतन की समस्या बन जाती है। फिर वो जो दवाएं हैं वो कुछ टाइम तक असर करती हैं, फिर ऐसा टाइम आ जाता है कि दवा खाने के बाद भी असर नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की दवाओं का रेगुलर इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, आप आयुर्वेद का सहारा लें। देखिए, आयुर्वेद के अंदर क्या है कि देर से तो आपको भले ही फायदा हो लेकिन आपकी समस्या जड़ से समाप्त होती है, धीरे 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 जो आपकी परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है और आपको एक अच्छा रिलीफ मिलता है, आप अंदर से अपने आप को मजबूत समझते हैं और जो आपकी परेशानी वो आपसे दूर होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आयुर्वेद नुस्खा बताने वाला हूँ, एक दवा बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप शीघ्र पतन की समस्या को दूर कर सकते हैं, और वो है नॉटलस प्रो। जी हाँ दोस्तों, ये है वो दवा जिसका नाम है नॉटलस प्रो। नॉटलस प्रो कैप्सूल के रूप में दवा है, इसके अंदर कैप्सूल हैं। ये कैप्सूल आपको सुबह और दोपहर और शाम खाने होते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह में, एक कैप्सूल दोपहर में और एक कैप्सूल आपको खाना है शाम में। तीनों ही दफ़ा आपको कैप्सूल दूध के साथ लेना है और खाना खाने के बाद लेना है। तो इन कैप्सूल के इतनी ताकत है इनके अंदर, कैप्सूल के अंदर जो कि जड़ी बूटियों द्वारा बनाए गए हैं, कि ये आपकी शीघ्र पतन की समस्या को तो ठीक करते ही हैं, साथ में ये वीर्य को गाढ़ा करने का भी काम करते हैं। अगर किसी को धात रोग की समस्या है तो उसमें भी फायदा होता है, और शुक्राणुओं की संख्या कम है तो उसमें भी फायदा होता है कि भाई वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में भी काम आता है ये नॉटिलस प्रो कैप्सूल। नॉटिलस प्रो कैप्सूल के अंदर जो दवाएं डाली गई हैं, यानी कि जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, उन पे हम एक बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ तो विदेशी जड़ी बूटियां, जैसे कि इसमें जिनसेंग है, दामियाना है, ऑथॉर्न है, सापामेटो है, कटवावा है, हॉर्नी गॉटवीड है, इस तरह की इसमें विदेशी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, और साथ में इसमें देसी जड़ी बूटियों का भी मिश्रण है, जैसे कि इसमें गोखरू है, शतावर है, मूसली है, लाल वाली मूसली डाली गई है इसके अंदर, इसमें अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोंच के बीज डाले गए हैं और काली मूसली का इस्तेमाल किया गया है, ताल मखाना का इस्तेमाल किया गया है, जावित्री जायफल इसके अंदर डाला गया है, तो इस तरह से अन्य कई तरह की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। लगभग 50 से ज्यादा जड़ी बूटियों का मिश्रण है नॉटिलस प्रो कैप्सूल के अंदर, जो आपको बेहद फायदा पहुंचाएंगे जब आप नॉटिलस प्रो कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों,
नॉटलस प्रो कैप्सूल का आप इस्तेमाल करके अपनी जो समस्या है शीघ्र पतन की, जो आप शीघ्र पतन के रोगी हैं, आप अपने रोग को दूर कर पाएंगे नॉटलस प्रो कैप्सूल का इस्तेमाल करके। तो ये कैप्सूल हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक ऑनलाइन दवा खाना है जहाँ से हम अपने मरीजों को दवा भी देते हैं। तो दोस्तों, नॉटलस प्रो के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए या इसको हमारे यहाँ से मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।